जब आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है, स्टिकी सी हो जाती है, तब आपको स्किन प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा डल स्किन की प्रॉब्लम भी ऑयली स्किन वालों को होती है। सबसे ज्यादा पिंपल्स यानी कि मुहासे, दानों की प्रॉब्लम भी ऑयली स्किन की वजह से ही होती है। साथ ही आपके चेहरे पे ब्लैकहेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है जब आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा चिपचिपी सी और ऑयली सी रहने लगती है। आपकी स्किन ऑयली हो जाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप क्या खाते हो। अगर आप तला हुआ ऑयली चीजें ज्यादा खाते हो तो आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, अपनी नींद अच्छे से पूरी नहीं करते हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। या फिर गर्मियों में स्वेटिंग ज्यादा होने की वजह से आपकी स्किन ऑयली हो जाती है। या फिर कभी आपने कोई गलत स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर लिया जिसमें ऑयल का पार्ट ज्यादा हो, वैसा स्किन केयर प्रोडक्ट जैसे कि मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कुछ भी चीज आपने अपने चेहरे पे लगा ली, उससे भी आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनकी स्किन टाइप ऑयली होती है उन्हें ही अपने चेहरे पे ऑयल आने की प्रॉब्लम होती है। आपकी स्किन टाइप चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी स्किन ड्राई भी हो, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी नोज एरिया पे, चिन एरिया पे एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से काफी स्टिकी सा आपका चेहरा, ग्रीसी सा, ऑयली सा हो जाता है। आपकी स्किन टाइप चाहे कोई भी हो, कभी ना कभी आपको एक्स्ट्रा ऑयल अपने चेहरे पे आने की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये एक्स्ट्रा ऑयल जब आपके चेहरे पे आता है तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का रीजन भी बन सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ब्यूटी टिप्स, जिन टिप्स को अगर आप फॉलो कर लोगे, अपने रूटीन में ऐड कर लोगे, तो आपकी स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल आता है वो कंट्रोल हो जाएगा। ये ब्यूटी टिप्स आपके चेहरे पे फुल डे के लिए ऑयल को तो कंट्रोल करेगी ही, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग भी बनाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर स्किन केयर। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नेचुरल वाले जो भी स्किन केयर वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आप तक पहुंच पाए और आप वो देख पाओ और उसका फायदा उठा पाओ और अपनी स्किन का बेस्ट वर्जन हासिल कर पाओ। तो सब्सक्राइब बटन को जरूर से ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज की ब्यूटी टिप्स को स्टार्ट करते हैं जो आपकी स्किन को रखेगी फुल डे के लिए ऑयल फ्री। टिप नंबर वन, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जब उन्हें अपनी स्किन काफी ऑयली सी, स्टिकी सी लगती है तो वो बार बार अपना चेहरा धोना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है आपकी। अगर आप बार बार अपना चेहरा धोते हो तो आपकी स्किन भी स्मार्ट होती है, आपकी स्किन को लगता है कि उसका नेचुरल ऑयल वॉश हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए फ्रेंड्स, दिन में आपको सिर्फ दो ही बार अपना चेहरा धोना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर बार बार चेहरा धोते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है आपकी स्किन को ऑयली करने का। टिप नंबर टू, आपको फेस वॉश से अच्छे से अपने फेस को वॉश करना है। इसीलिए जब भी आप फेस वॉश खरीदे तो पलट कर उसपे इंग्रेडिएंट सबको चेक करने हैं। आपके फेस वॉश के अंदर एप्पल साइडर विनेगर, टी ट्री, ग्रीन टी, सैलिसिलिक एसिड या फिर लेमन, इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपके स्किन को टोटली ऑयल फ्री रखेगा। टिप नंबर थ्री, आपके स्किन पे जो पोर्स होते हैं वो ओपन पोर्स के अंदर बहुत सारा ऑयल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली सी हो जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको अपने रूटीन में आइस क्यूब मसाज को ऐड करना चाहिए। आपको आइस क्यूब ले लेनी है, उसको एक पतले से टॉवेल के अंदर या फिर हैंकी के अंदर रख कर उससे सर्कुलर मोशन में आपको अपने चेहरे की अच्छे से मसाज करनी है। ऐसा आप 2 से 3 मिनट तक करोगे। अगर ये आइस क्यूब मसाज आपने अपने रूटीन में ऐड कर ली तो आइस क्यूब मसाज से आपके जो ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, उनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होता है वो नहीं होगा और आपकी स्किन काफी ज्यादा ऑयल फ्री रहेगी। टिप नंबर फोर, जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें लगता है कि उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी ज्यादा ऑयली है, इसीलिए उन्हें कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ये भी रीजन हो सकता है आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ऑयली करने का, क्योंकि जब आपकी स्किन डिहाइड्रेट होती है
तब वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। जब आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाते हो तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन प्रोड्यूस करती है वो नहीं करेगी और आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको एक अच्छा सा जेल फॉर्म का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लेना है, जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी स्टिकी नहीं करेगा, सिर्फ हाइड्रेट करेगा, जिसकी वजह से भी काफी ऑयल आपके चेहरे पे कंट्रोल होगा। टिप नंबर 5, आप अपने स्किन केयर रूटीन में टोनर का यूज नहीं करते हो, ये भी एक रीजन हो सकता है आपकी स्किन को ऑयली करने का। टोनर जो होता है वो आपके स्किन पे जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उसको श्रिंक करके मिनिमाइज कर देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और साथ ही एक फ्रेशनेस देता है। जब भी आप कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो, जैसे कि आपने स्क्रबिंग की होती है, मसाजिंग की हुई होती है, या फिर अच्छे से अपना फेस वॉश किया हुआ होता है, तब आपके स्किन पे जो पोर्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लीन हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के बाद या फिर वैसे भी रेगुलरली आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उसको श्रिंक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जो सबसे बेस्ट श्रिंक करने का काम करता है, एक अच्छा टोनर। एज अ टोनर आप रोज वाटर का यूज कर सकते हो, क्यूकम्बर जूस का यूज कर सकते हो, या फिर राइस वाटर को भी यूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी टोनर आपको ले लेना है और इससे अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है। दिन में जब भी आपको टाइम मिले तब आप ये वाला टोनर अपने चेहरे पे स्प्रे कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी स्किन ऑयल फ्री तो रहेगी लेकिन साथ ही आपके चेहरे पे एक बहुत ही बढ़िया वाली फ्रेशनेस भी आएगी। इसी के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए पूरे दिन भर के लिए, ताकि अच्छे से आपकी स्किन अंदर से भी हाइड्रेटेड रहे। प्लस कम से कम तला हुआ और ऑयल फ्री खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस ना हो। तो ये है कुछ ऐसे ब्यूटी टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके चेहरे पे जो ऑयल आता है वो कंट्रोल हो जाएगा, आपके स्किन फुल डे के लिए ऑयल फ्री रहेगी और एक बहुत ही बढ़िया वाला ग्लो आपके चेहरे पे आएगा, साथ ही आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाएगा। तो जरूर से इन ब्यूटी टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने रूटीन में ऐड कीजिए। और आज की ब्यूटी टिप्स पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्किन केयर वीडियोस आप तक पहुंच पाए और आप वो देख पाओ। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, सी यू सून।